एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से, और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं नहा धो के सफाई कर रही हूँ। तो सामने चोपता की पहाड़ियों में बर्फ़ गिरी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। फाइनली मैंने पूजा भी कर दी है और सूर्य भगवान को भी पानी चढ़ा दिया है। अब देखते हैं दिन भर क्या होता है, फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। पूरा ख़राब हो रखा था, सो अभी धूप निकल चुकी है अच्छी खासी, और मेरा ड्रैगू भी धूप भी सेक रहा है। ड्रैगू क्या हो गया, धूप सेक रहा ड्रैगू। मौसम फिर से चेंज होने लग गया, अभी तक धूप लगी थी, अभी मौसम बिल्कुल चेंज होने वाला है। तो सब लोग अपने सामान अब संभालने लग गए हैं, आप देख सकते हो पूरा मौसम चेंज। और यहाँ पे ड्रैगू भी धूप सेक रहा था, पर मौसम ठंडा हो चुका है। तो अभी सासु माता और नेहा जी नेहा जा रखे हैं घास लेने के लिए, और मैं ससुर जी और पति देव घर पर ही हैं, वो दोनों बाहर पे आए क्योंकि अभी कुछ आधार कार्ड का आयुष्मान से कनेक्शन पता नहीं क्या कर रहे थे, तो उसके लिए आधार कार्ड मांगा उन्होंने। और फिर अभी मैं वो चले गए हैं, तो मैं पानी गर्म करने के लिए आ रखी हूँ, अभी पानी गर्म कर रहे हैं। तो फिर चावल मैंने भिगा दिए हैं, आज खीर बनाई जाएगी, माता जी का प्यारा सब भोग है जो। तो मैं मिलती हूँ अब आपको सीधा डिनर के टाइम पे, मतलब भोग बनाते हुए। फिर दिन भर भी आज कुछ नहीं हुआ, मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा है। और अभी मैं खा रही हूँ अमरूद,
क्योंकि मैं हर समय तो नहीं खाती हूँ, क्योंकि मेरे को फास्ट में खाना पसंद नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं फास्ट में खाते रहो खाते रहो, तो वो फास्ट ही किस ना बात का जिसमें खाना ही है, पेट भरा हुआ है तो वो फास्ट ही नहीं होगा ना। मेरा मानना तो ये है, बाकी आप लोग पता क्या मानते हो ये मुझे बताना। दिन भर खाना फास्ट, फल फ्रूट खाना फास्ट होता है, या भगवान के लिए फास्ट मतलब थोड़ा सा खाओ, मतलब अपनी बॉडी एकदम वो रहे, मतलब तुम काम कर सको, मतलब फ्रेश रह सको, ऐसा नहीं कि बीमार हो जाओ। तो इतनी मेरे पे ताकत है कि मैं इतने अमरूद खा के मेरे में एनर्जी आ जाएगी, तो 9 दिनों तक ऐसे ही चलेगा। मतलब मेरे को खाना पीना बिल्कुल पसंद नहीं है फास्ट में। तो अब मिलती हूँ मैं आपको भोग बनाते टाइम, क्योंकि टाइम भी हो चुका है, 5 बज गया है, और आजकल रात 6 बजे ही बज जा रही है। खाना बनाते बनाते 7 साढ़े 7 हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। तो आज देखते हैं क्या क्या बनाते हैं। फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, बने रहिएगा आप मेरे साथ ब्लॉग में। खाना पीना बना के आ चुकी हूँ, भोग भी बना दिया है मैंने। आज भोग में मैंने बनाई है पूरी और खीर, जो माता जी का प्रिय भोग है। तो अब मैं पूजा करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो ये रहा हमारा ड्रैगो। ड्रैगो इधर देख, हेलो कर सबको, हेलो करो। हेलो ड्रैगो। तो ड्रैगो ने भी पूरियाँ खाई, रोटियाँ खाने का उसका इच्छा नहीं है, रोटियाँ उसकी ये पड़ी हैं, और ये पूरियाँ खाएगा। इसको पूरियाँ खानी है, पूरियाँ खानी है आपको ड्रैगो। तो हमारा खाना पीना भी हो चुका है, और पति देव गए थे शादी में, वो भी शादी से आ चुके हैं। तो शादी का खाना उन्हें इतना अच्छा लगा कि क्या ही बोले, उन्होंने कह दिया आज से मैं तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? और क्या, घर का खाना डेली डेली खा गया तो बोर नहीं हो जाएगा? इसलिए तो आदमी शादी ढूंढता है भाई, शादी में कुछ चलो अच्छा सा ठीक, पकवान मिले, बीवी तो के हाथ का ना खाना पड़े, वही डेली का हिसाब किताब माँ खाना। दुर्गा का आशीर्वाद आप सब लोगों पे बना रहे, मैं यही उम्मीद करती हूँ। तो अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि आजकल मौसम ही ऐसा हो रहा है, और ज़्यादा शूट भी नहीं कर पा रही हूँ। अब छू इधर उधर भी जा रही हूँ तो वो भी शूट नहीं कर पा रही। मुझे हंसाइए हमारी रहो। ऑडियंस ने तारक मेहता भी देखा है? नहीं अब देखेंगे ना, तो उसमें तारक मेहता की बीवी अंजलि मेहता, जिसको करेले का जूस, जो उसको नहीं पसंद होता, जिसको जबरदस्ती पिलाती है, कुछ कुछ हाल हमारे भी ऐसे हो रखे हैं। क्या डाल के पिलाया जाता है? अजवाइन डाल के, जो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद सुबह सुबह पीना। तो तुम्हें गैस हो रहा है उससे, उसकी बात कोई से? बात नहीं, मुझे कोई गैस वैस नहीं होती, पर यही जबरदस्ती पिलाया जाता है मेरे को सुबह से, वो पानी। हाँ, शाम को ना सोने देते हो ढंग से, सब ब्लॉग एंड कर दो फिर, जीना आराम कर रखा है ऑडियंस ने इसका मेरा। सब ब्लॉग एंड कर दो आज, तुम करो। तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और थोड़ा इनको बताएं कि भाई इतना जुल्म ना ढाले मेरे पे, थोड़ा मुझे अपनी मन मर्जी भी करने दें, बहुत ज़्यादा हो रहा है अब।